किसी भी आइडियल गैस के लिए जो कनेक्शन है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में, वो बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब लॉज को मिला लें, तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है इसमें, जिसमें म्यू आप देख पा रहे हैं ये नंबर ऑफ मोल्स है, या फिर आप के बी एन टी कैसे कह सकते हैं, के जिसमें एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और आर और एन ए इनका बीच में भी रिलेशन है। आर आपका है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, के बी आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आर इसमें जो है 8.314 है, के बी आप कह सकते हैं आर बाय एन ए 1.38 इंटू 10⁻², जिसमें यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, के बी भी आपका आर बाय एन ए से आता है, एन ए जो है वो एवोगैड्रो नंबर है। तो रियल गैसेस जो होती है, देखिए दो टाइप की गैस है, आइडियल गैस रियल गैस। आइडियल तो बिल्कुल आइडियल होती है जैसे रामचंद्र जी, लेकिन रियल गैस जो आइडियल नहीं होते, जो एकदम मतलब महापुरुष नहीं है रियल गैसेस, थोड़ा सा उनमें लॉज का हेर फेर होता है, वो सा लॉ फॉलो नहीं करते। तो रियल गैसेस क्या सेटिस्फाई करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेटली पूरा नहीं करते हैं, बस ये है कि अगर लो टेम्परेचर आप हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ले गए तो ये फॉलो करेंगे। काइनेटिक थ्योरी जो है आइडियल गैस की, उसका रिलेशन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर जो एन है वो डेंसिटी है आपकी या नंबर के हैं मॉलिक्यूल्स का, एम है आपका मास मॉलिक्यूल का, वी है आपका, अच्छा वी के ऊपर बार है, देखिएगा ये आपका वी के ऊपर बार लग गया, ये आपका मीन स्क्वायर्ड स्पीड है आपकी, वी मीन स्क्वायर्ड स्पीड है। अब आइडियल गैस इक्वेशन के साथ कंबाइन किया जाए तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर के साथ क्या होता है, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर तो खैर हो गया, वी बाई टू के बी टी हो गया, वी आर एम एस आपका वी स्क्वायर अंडर रूट, ये भी आप देखिए कि 3 KBT बाय एम, ये आपको बता, देखिए इसमें एक चीज बहुत ध्यान दीजिए कि जो टेम्परेचर है सभी चीजों में, ये आपका काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड कर रहा है। ये मेजर तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है, जो गैस कुछ भी या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर गैस जो मेजर है वो काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन उसके नेचर कोई भी गैस कोई भी नेचर हो उससे इंडिपेंडेंट है। अगर मिक्सचर दे दें गैस का किसी टेम्परेचर पे, तो जो हैवी मॉलिक्यूल होगा उसका सबसे कम एवरेज स्पीड होगा। ट्रांसलेशन एनर्जी की बात करें, ई 3/2 KBNT, और यही रिलेशनशिप बन जाता है पीवी 2/3 ई। इक्विपार्टीशन का लॉ अगर हम देखें, जिसे हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कहते हैं एनर्जी स्टेट का, यदि कोई एक स्टेट, कोई भी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है टेम्परेचर टी पे, तो जो उसके अंदर एनर्जी होगी, पूरी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग एनर्जी मोड्स के एब्जॉर्प्शन मोड्स में, तो जो एनर्जी है हर एक मोड में वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ के बी की, जितना ट्रांसलेशन हो, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, ये सारे के सारे एक एनर्जी मोड के एब्जॉर्प्शन को करस्पॉन्ड करते हैं, और उनकी भी एनर्जी क्या होगी, हाफ के बी टी, सबकी यही होगी हाफ के बी टी। तो हर एक जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है उसके दो मोड होते हैं, क्योंकि इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल होगी, तो यहाँ पर ट्वाइस कर दीजिए, इसी को ट्वाइस कर दीजिए, हाफ इंटू के बी टी, तो ये के बी जब भी बोल रहा हूँ, के सब भी है, ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, KB × T हो जाएगा। अगर हम इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ को देखें, तो जो मोलार स्पेसिफिक हीट है इन गैसेस ये निकाल सकते हैं, और जो तरीका है, जो वैल्यू है, बड़े एक्सपेरिमेंट वैल्यू से बड़ी एग्रीमेंट में होता है, खासतौर पे स्पेसिफिक हीट बहुत सारे गैसेस की, जो एग्रीमेंट है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें हम वाइब्रेशनल मोड्स मोशन के ला सकते हैं। जो मीन फ्री पाथ है एल, वो एवरेज डिस्टेंस है जितना मॉलिक्यूल ने कवर किया दो टकराव के पहले, वो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनता है उसका, उसमें एन नंबर डेंसिटी है, डी आपका डायमीटर है मॉलिक्यूल का,